Hi friends, welcome to my YouTube channel Deepa and Lalwani and welcome to my mom's kitchen. आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल सैंडविच, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 4 स्लाइस ब्रेड चाहिए होगा, फिर बटर चाहिए, ग्रीन चटनी, 2 चीज़ क्यूब्स, उसके बाद हमने एक टमाटर ले लिया, उसको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया, फिर हमने बीट को बॉईल कर लिया और उसको पतला पतला स्लाइस कर लिया, खीरा ककड़ी उसको भी हमने पतला पतला स्लाइस कर लिया, थोड़ा सा चाट मसाला और आलू उबले हुए पतले पतले कट कर लिए हैं। हमने आलू और बीट साथ में ही बॉईल कर लिए। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं वेजिटेबल सैंडविच। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल दीपा एंड लालवानी को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और उस पर हम बटर लगा लेंगे। बटर लगाने के बाद इस पे हम ग्रीन चटनी लगा देंगे। एक स्लाइस पे हमने बटर और चटनी लगा दी, इसी तरह हम दूसरे स्लाइस पे भी बटर और चटनी लगा देंगे। और चटनी लगा लेंगे। दोनों स्लाइसेस पे बटर और चटनी लगा दी। अब इस पे हम वेजिटेबल्स रखेंगे। सबसे पहले हम टमाटर ले लेंगे, एक एक करके रखेंगे। फिर हम ले लेंगे आलू, फिर इस पे रखेंगे बीट, और खीरा रख देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी चीज डाल देंगे। ऊपर से हमने चीज़ को डाल दिया, बहुत ही बढ़िया सैंडविच लग रहा है। अब दूसरे स्लाइस के साथ हम इसे कवर कर देंगे।
और सैंडविच बन के रेडी है। चलिए इसे कट कर देते हैं। वेजिटेबल सैंडविच बन के रेडी है। चीज़ डालना ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो ही चीज़ डालें, ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं। और इसे हम ग्रिल भी कर सकते हैं, आप जैसे खाना चाहें। बहुत ही बढ़िया सैंडविच है, आप भी घर पे ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा। आप इसे इवनिंग स्नैक में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी डिश है। और फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दीपा एंड लालवानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।